इस बीच को टर्टल बीच भी कहा जाता है, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये मेन एंट्रेंस है। इस साइड से अगर आप आओगे गूगल मैप का यूज करके, और ये राइट साइड जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, यहाँ पे इस पूरे एरिया में टर्टल हैं, और गवर्नमेंट द्वारा इस ये बाउंड्री को बनाया गया है। मतलब गोवा गवर्नमेंट ने यहाँ पर टर्टल मीन्स टॉर्टाइस कछुआ को संरक्षित किया गया है, इसलिए इस बीच को टर्टल बीच भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं ये माहौल है, ये क्राउड है अभी तक फिलहाल इस बीच पर, और आगे चल के मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इस बीच के तीन एंट्रेंसेज हैं। तो आज मैं दो एंट्रेंसेज को कवर करूँगा, एक ये वाला एंट्रेंस और एक जो आगे है, और ये भी दिखाने का प्रयास करूँगा कि कितने विदेशी लोग हैं, और इस बीच के बारे में पूरी जानकारी कि ये बीच कहाँ पर है और आप कैसे आ सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना। जैसे कि आप देख सकते हैं एक रशियन लड़की यहाँ पे बैठी है, ये विदेशी लड़की है यहाँ पे, और भी मुझे एक दिखी है क्योंकि ये इस इंट्रेंस नंबर वन पर, क्योंकि इस बीच के तीन एंट्रेंसेज है, तो इंट्रेंस टू और इंट्रेंस थ्री में भी मैं जाऊंगा, लेकिन थ्री में आई थिंक आज कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इंट्रेंस नंबर टू में चलूंगा और वहां भी दिखाऊंगा कि कितने विदेशी लोग हैं, अभी माहौल क्या है और प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। आप इन सारी चीज़ों से अवगत हो जाओगे इस वीडियो को देख कर। अगर आप गोवा आ रहे हो तो इस बीच को ज़रूर घूमना, और क्यों घूमना मैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि अगर आप फुल एंजॉय करना चाहते हैं गोवा का, तो गोवा के नॉर्थ गोवा में आना आप। साउथ गोवा चिल्ड वाले प्लेसेज हैं, बिल्कुल शांत बीचेज हैं वहाँ पे, आप वहाँ पे पीसफुल जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मस्ती वाली ज़िंदगी चाहिए, मस्ती वाले बीचेज चाहिए, तो आपको नॉर्थ गोवा में आना पड़ेगा। अगर इस बीच की बात की जाए तो यह बीच आस्वेम, अरम्बोल और मांडरेम बीच के पास है, लेकिन अगर पंजिम सिटी से दूरी की बात की जाए तो लगभग 31 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आने के लिए आप बाई बस भी आ सकते हैं, बाई टैक्सी भी आ सकते हैं, अगर आप स्कूटी बुक करके आओगे अपनी तो वो बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे तीन एंट्रेंसेज हैं, एक एंट्रेंस जो मैंने दिखाया है, एक दूसरा मैं आपको आगे दिखा दूंगा, एक तीसरा, क्योंकि गूगल मैप का जब मन पड़ेगा तो आपको किसी भी एंट्रेंस पर ला के लैंड कर देगा, इसलिए आप स्कूटी से आओ वो बेटर है, और गूगल मैप का सहारा यूज लेकर आना, और गूगल मैप एक बार सर्च करने के बाद दोबारा रिफ्रेश मत करना, अदरवाइज भटक जाओगे, क्योंकि गोवा में जो गूगल मैप है 100% एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करता है, क्योंकि मैं भी दो तीन बार ऐसे मामलों में फंस चुका हूं। तो चलिए आगे चल के मैं अभी एंट्रेंस नंबर टू में चल के दिखाता हूँ कि कितनी क्राउड है, क्या है प्रेजेंट सिचुएशन, क्या है और लोग कैसे कैसे ले हैं। तो यहाँ ये एंट्रेंस नंबर टू पे जब आप आओगे तो ऐसा व्यू दिखेगा, और मैं भी साइड का व्यू दिखाता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे लोग नहा रहे हैं, और ये पीसफुल बीचों में आता है, इसलिए यहाँ पे रशियन लोग आते हैं, विदेशी लोग आते हैं, और फॉरेनर्स लोग यहाँ पे बिना डिस्टर्बेंस के अपना इंजॉय करते हैं, इसीलिए ये बीच फॉरेनर्स में ज़्यादा फेमस है, और इंडियन लोगों में थोड़ा कम फेमस है। इंडियन लोगों को भीड़ भाड़ पसंद है, इसलिए वो बागा और कलंगुट पे जाके और उस गंदे पानी में नहा के चले जाते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन वाटर है, बिल्कुल पीसफुल फैमिली लाइफ आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। चलिए मैं राइट साइड थोड़ा कैमरा करता हूँ अपना, राइट साइड करके आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर और क्या क्या है। आप देख सकते हैं सी वेव्स ये सामने, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, वहाँ पे कपल्स हैं, यहाँ पे हाई प्रोफाइल पीपल ऑफ इंडिया ज़्यादा प्रीफर करते हैं आने के लिए। इस कोस्टल लाइन में अगर आप आगे जाओगे ना, तो आपको इसी लाइन में यहाँ पे एंट्रेंस वो नहीं है क्योंकि वहाँ पे पानी भरा है कॉर्नर में, लेकिन अगर आप आगे जाते हो कैसे भी तो आपको मांडरेम मिल जाएगा, मांडरेम बीच आगे मिल जाएगा, बट बीच में कनेक्टेड नहीं है, इसलिए आप ऐसे रास्तों से मत जाना। और इस बीच कि अगर लंबाई की बात की जाए तो ये बागा और कलंगुट को अगर मिला दिया जाए ना, तो उतना उससे भी ज़्यादा लंबा है इसकी कोस्टल लाइन, और यहाँ पे सैंड जो है बहुत चिपकी हुई सैंड है, मतलब यहाँ पे आप रनिंग और क्रिकेट भी खेल सकते हो, लेकिन बागा एंड कलंगुट पे आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए यह बीच बहुत ही ज़्यादा फेमस है और विदेशी लोगों का बहुत ही पसंदीदा बीच है, और इस बीच को मोरजिम बीच कहा जाता है।
अगर आप मोरजिम बीच के बारे में और कुछ भी जानना चाहते हैं या गोवा के बारे में और कुछ भी जानना चाहते हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।